भारत के युवा अपना खुद का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करके बड़ी कमाई करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। 5 से 9 घंटे का काम हर किसी के लिए नहीं है, पर कई कम बजट के कारण या लाइसेंस की दिक्कतों के कारण कभी अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं। आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज लाए हैं जिसमें आप बिना किसी लाइसेंस के आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जिन्हें आप बिना किसी लाइसेंस के शुरू कर सकते हैं। नाश्ते का ठेला। यदि आपकी पसंद कुकिंग करना है तो आप एक नाश्ते का ठेला लगा सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ना ही इस व्यवसाय को किसी भी प्रकार के प्रमोशन की ज़रूरत है। बस आपको सबसे पहले अपने नाश्ते में अलग अलग वैरायटी और उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना है। जितना अधिक आप स्वादिष्ट और अपने नाश्ते को गुणवत्ता प्रदान करेंगे, उतना ही अधिक लोग आपके नाश्ते की दुकान पर स्वयं आएंगे और अन्य लोगों को भी आपके दुकान के बारे में बताएंगे। ये व्यवसाय अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ही बेहतर किया जा सकता है और अच्छा फायदा भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इसे आप बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। टिफिन सर्विस का व्यवसाय। आपने देखा होगा कि शहरों में नौकरियां करने वाले और अलग अलग एवं दूर से आए हुए छात्र भी रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे में उनके पास इतना समय नहीं है कि वो स्वयं से बनाकर खाना खा सकें। इस वजह से टिफिन सर्विस का व्यवसाय भी काफ़ी ज़्यादा आज के समय में प्रचलित है। इसको शुरू करने में आपको ज़्यादा निवेश करना नहीं है। इस व्यवसाय को अच्छा मुनाफा प्रदान करने के लिए बस आपको ऐसे लोगों को पकड़ना है जो लोग शहर में रहकर नौकरी करते हैं या फिर पढ़ाई। इसके अतिरिक्त आप ऐसे व्यवसाय में रोज़ अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को बनाएं और अपने व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाने का भी प्रयास करें। इस प्रक्रिया को करते हुए आपका व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा और आपको अच्छा मुनाफा भी इस व्यवसाय से धीरे धीरे मिलेगा। इसके लिए भी आपको किसी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। कुल्हड़ बनाने का शुरू करें बिजनेस। भारत में एक बड़ी आबादी चाय की शौकीन है। रेलवे स्टेशन, बस डिपो और हवाई अड्डों पर कुल्हड़ की चाय की लगातार मांग रहती है। ऐसे में आप कुल्हड़ बनाने और बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार अब देश में घरेलू उद्योग को बढ़ावा दे रही है। ऐसे व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकार मदद भी करती है। इन छोटे व्यवसाय की खास बात यह है कि ये कम पूंजी और बिना किसी लाइसेंस के शुरू किए जा सकते हैं और इनसे काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। इन्हीं में से एक कुल्हड़ व्यवसाय भी है जिसकी बाजार में काफ़ी मांग है। हाल ही में सड़क एवं परिवहन नितिन गडकरी ने कुल्हड़ को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक या कागज के कप में चाय बेचने पर रोक लगाने की मांग की है। ऐसे में आने वाले समय में कुल्हड़ की मांग में इजाफे का फायदा उठा सकते हैं। टूर गाइड। क्या आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां दूसरे लोग जाना पसंद करते हैं? क्या आपको नए लोगों से मिलना और चैट करना अच्छा लगता है? आप एक आसान व्यवसाय शुरू कर सकते हैं यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जो बहुत सारे टूरिस्ट को आकर्षित करता है। बस उन प्राकृतिक अजूबों के बारे में ना भूलें जिन्हें स्थानीय लोग हल्के में लेते हैं। आपको बस उस जगह का अच्छा ज्ञान, एक हंसमुख स्वभाव, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और अच्छी शारीरिक गतिशीलता होनी चाहिए। उबर की ड्राइविंग। या आपके पास एक कार है? कम से कम 3 साल के ड्राइविंग अनुभव और एक साफ सुथरे रिकॉर्ड के साथ उबर ड्राइवर बनने के लिए बस इतना ही करना पड़ता है। अगर आपके पास उबर की सभी दिए गई चीजें हैं तो उबर ड्राइवर के रूप में व्यवसाय शुरू करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और एक कार होना आवश्यक है। यदि आप स्वयं का व्यवसाय करने के लिए इच्छुक हैं तो आपको बहुत से ऐसे ही विकल्प मिल जाएंगे। बस आपको इन पर गौर करना है और अपनी तीव्र बुद्धि से किसी भी व्यवसाय को सफल बनाना है। किसी भी प्रकार का व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस आपको उसे करने का हुनर आना चाहिए। या हमने जिस भी व्यवसाय की जानकारी दी है उसे आप आसानी से शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।